स्वागत है आपका HCN न्यूज में। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। किसान एकता मोर्चा का बड़ा बयान, कृषि कानून आंदोलन का समर्थन करने वालों की आवाज को दबा रही सरकार, जारी रहेगा किसान आंदोलन। पीएम मोदी 17 फरवरी को नास्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को करेंगे संबोधित। पर्यावरण कार्यकर्ता के खिलाफ समूल नाश वाले ट्वीट के लिए हरियाणा के मंत्री को भी ट्विटर का नोटिस। वैक्सीनेशन के दौरान भारत में एक भी मौत नहीं, बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। 482 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम मुश्किल में, 53 रन पर गिरे 3 विकेट। किसान पंचायत में बोली प्रियंका वाड्रा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरी जान मेरी धर्म हो आप लोग। देवेंद्र चहल को लेकर युवराज सिंह, 2 महीने बाद एक बार फिर से उनका बयान का एक मसला उठ रहा है, हरियाणा में हुआ केस दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी, बोले चुनाव के बाद अगर अपने बच्चों का चेहरा देखना है तो नियंत्रण रखें, चुनाव से पहले राज्य में माहौल काफी गर्म। बीजेपी टीएमसी समेत कई राजनीतिक दल जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने किया केस दर्ज, जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने। 21 वर्षीय दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आप करेगी प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। वही दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल की कीमत लगभग 90 रुपए की चपेट में। सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड, पहली बार 52,000 के पार, निफ्टी में भी ऊंचाई। दिया मिर्जा की शादी में पहुंची एक्ट्रेस अदिति राव ने चुराए दूल्हे के जूते। फिर की इन्हें बल्ले से भी कमाल, टीम इंडिया के मिस्टर मनपसंद बने रविचंद्रन अश्विन। चीन और पाकिस्तान पर भारत को मिलेगी बढ़त, 160 किलोमीटर दूर से ही दिखेंगे दुश्मन के विमान, छोड़े जाएंगे मिसाइल। G7 की बैठक में भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यकर्ताओं में बोली नेता, पैसा बांटो शराब बांटो, किसान आंदोलन को जीवित रखो। 22 फरवरी को पीएम मोदी, तो वहीं 18 फरवरी को अमित शाह करेंगे बंगाल दौरा। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, टीएमसी कुछ भी कर ले, पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार को ही वोट देगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ HCN न्यूज में। धन्यवाद।